देवभूमि उत्तराखंड को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। मेरे प्यारे उमेश भाई खानपुर विधायक, उनके निमंत्रण पर 3 दिसंबर को मैं आ रहा हूं हरिद्वार। युवाओं से मिलूंगा और साझा करूंगा वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस, कुछ बातें करूंगा उनके टैलेंट पर, कुछ अपना सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा और मिलूंगा उन लोगों से जो देश का भविष्य हैं और आगे जाकर देश का नाम रोशन करें। युवा उनसे प्रेरणा लें और जीवन में आगे बढ़े और राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन। सोनोवाल जी लगातार भाजपा में लाने की बात करते हैं, मेरा ये कहना है कि भाजपा के पास तो पहले से ही 90% इस जनपद का विपक्ष नतमस्तक है, तो थोड़ा बहुत विपक्ष बचा रहने दीजिए ताकि लोकतंत्र के बाद निर्णय लेंगे, क्योंकि उमेश कुमार जनता विधायक हैं, वो अन्य विधायकों की तरह लोभ लालच में भाग कर गलत निर्णय लेने वालों में से नहीं। हमारे देश की एक ऐसी प्रतिभा जिसने पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से निकलकर देश के सामने आया और उसने ये साबित किया कि कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ अगर इंसान की मनोस्थिति मजबूत है और उसकी हिम्मत उसके साथ है तो वो कोई भी मानक, कोई भी आयाम स्थापित कर सकता है। अभी जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ उसमें 9 मैचों में पूरी दुनिया को चौंका देने वाला एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद शमी है, वो मेरे आमंत्रण पर, मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप हरिद्वार जनपद आएँ, हमारे युवाओं के साथ अपना तजुर्बा शेयर करें, अपने अनुभव उनके साथ साझा करें, उन्हें प्रेरित करें कि कैसी भी परिस्थितियों से निकलकर कैसे एक इंसान पूरी दुनिया को चौंका सकता है। तो उन्होंने मेरी बात पर सहमति जताई और 3 दिसंबर को 11 बजे ऋषिकुल मैदान हरिद्वार पहुंच रहे हैं, और उससे पहले जैसा कि अभी कुछ हमारे मित्रों ने सलाह दी, पत्रकार साथियों ने, कि भाई रुड़की में भी कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि वो यहाँ आ जाएं, मुलाकात हो जाए, तो उसके लिए भी हम उस पर विचार करेंगे कैसे किया जा सकता है। तो फिलहाल ऋषिकुल मैदान का कार्यक्रम तय है और जो रुड़की में अगर उनकी क्या व्यवस्था होगी, कैसे होगी, उसके संबंध में आपको 1-2 दिन में जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। युवाओं को जनसभा के द्वारा संबोधित किया जाएगा? देखिए, वो अब ये कोई जनसभा नहीं कर रहे हैं, हम उनका एक सम्मान समारोह कर रहे हैं। वो आएंगे, युवाओं से वो बातें करेंगे, जो युवा उनसे सवाल करेंगे, रैंडम वो सवाल होंगे मैदान से, उनका जवाब देंगे, क्योंकि ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, छोटे भाई हैं मेरे और मैं कभी उनका राजनीतिक इस्तेमाल करना भी नहीं चाहता। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारे हरिद्वार जनपद के, हमारे उत्तराखंड के बच्चे, युवा उनसे प्रेरणा लें और जीवन में आगे बढ़े और राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करें। कुछ चर्चाएं चल रही है कि भाजपा आपके जाने की, उसको लेकर कुछ नेताओं के द्वारा भी आमंत्रण देगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, देशराज कर्णवाल जी लगातार भाजपा में लाने की बात करते हैं, मेरा ये कहना है कि भाजपा के पास तो पहले से ही 90% इस जनपद का विपक्ष नतमस्तक है, तो थोड़ा बहुत विपक्ष बचा रहने दीजिए ताकि लोकतंत्र चलता रहे, और हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। मेरी बस उनको यही सलाह है कि बार बार भाजपा में आने की बातें ना कर रख रहे, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सराहना करें, उनकी सरकार है, उनकी सरकार हमारा सहयोग करे ताकि हम क्षेत्र का विकास कर सकें। लोकसभा चुनाव लड़ने की अगर आपको भाजपा से मिलती है तो उसका आप क्या? देखिए, वक्त, परिस्थितियाँ क्या होती हैं राजनीति में, इस पर कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है बड़ी जल्दी होगी। स्थितियाँ देखेंगे क्या बनती हैं, क्या होंगी, क्षेत्र के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए जब भी कोई बात कहीं से आएगी, हमने पहले भी कहा है, हम कोई भी निर्णय अपने स्तर पर नहीं लेते,
हमारा निर्णय हमारी जनता लेती है, हमारे लोग, हमारे सहयोगी, हमारे साथी लेते हैं। कोई भी पार्टी हमसे संपर्क करेगी, हम उनके साथ विचार विमर्श करेंगे, उनकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं। एक सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों की राय लेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। क्योंकि उमेश कुमार जनता विधायक हैं, वो अन्य विधायकों की तरह लोभ लालच में भाग कर गलत निर्णय लेने वालों में से नहीं। देखिए, बड़ी गंभीर परिस्थिति है, परिवार वाले उनके बड़े परेशान हैं, मशीनें लगातार असफल हो रही हैं, विफल हो रही हैं। ईश्वर सहयोग करे, बाबा बद्री केदार सहयोग करें और हम उन्हें निकालने में सफल हो। हम चंद्रयान पर पहुंचने का दावा करते हैं, चंद्रयान से चंद्रमा पर पहुंचने का दावा करते हैं, लेकिन हम एक सुरंग में नहीं पहुंच पा रहे। बड़ी अजीब सी स्थिति है, दुखद स्थिति है। ईश्वर जल्दी हमारे टेक्नीशियंस का, हमारे वैज्ञानिकों का सहयोग करे ताकि हम उन्हें निकाल सकें। कुछ लोगों के द्वारा मांग की गई कि आर्मी को लगा देना चाहिए, ऐसे मांग। देखिए, आर्मी को युद्ध नहीं लड़ना है वहाँ पर, बहुत टेक्निकल काम है वहाँ पर। आप देख रहे हैं विदेशों से भी वैज्ञानिक बुलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि हिमालय की जो है, जो पहाड़ों की स्थिति है, उनको समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो जो विशेषज्ञ हैं वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। मैं सरकार पर इस पूरे मामले में कोई भी हमला नहीं करना चाहता, और मैं सभी राजनीतिज्ञों से भी कहना चाहता हूँ कि सरकार पर हमला ना करें। ये समय सरकार पर हमला कर अधिकारियों को, टेक्नीशियंस को, वैज्ञानिकों को, उनका जो मनोबल गिराने का काम करेगा। हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए कि आप करिए, आप लगिए, आप कैसे भी निकालिए, करिए, हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप कर लें। तो जो लोग सस्ती राजनीति करना चाहते हैं वो सरकार पर हमला कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें। देखिए, एक बात बताइए, 11 दिन में ऐसी क्या, 16 दिन में ऐसी क्या स्थिति आ गई कि उनको अपने जेवरात बेचने की नौबत आ गई? ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये सब लोग जो है, जो अफवाहें फैलाते हैं, उनका काम है। मुझे लगता नहीं कि अगर सरकार से किसी ने संपर्क किया होगा और कुछ कहा होगा और सरकार ने ऐसे समय में मना किया होगा ये परिस्थितियाँ। और अगर किसी को सहयोग चाहिए तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझसे संपर्क करें, जो सहयोग होगा, आर्थिक रूप से जो भी मदद होगी हम करेंगे।